खबर सतना से, जहां पवित्र सिद्धा पहाड़ में गुरुवार को चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित की। विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने कहा कि वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम 11.5 वर्ष चित्रकूट में मौजूद रहे। यह पूरा क्षेत्र चित्रकूट के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में आता है। जल्द ही संपूर्ण क्षेत्र में चल रही अवैध खदानों को बंद कराए जाने को लेकर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। मूर्ति स्थापना में यूथ कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राघवेंद्र त्रिपाठी, साधु संत सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। भगवान वनवासी श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापना, सभी गांव के सभी लोग जो पूरी आस्था और हृदय से भगवान राम को मानते हैं, उन लोगों की प्रेरणा से, उन लोगों के प्रयास से, सभी क्षेत्र के लोगों के प्रयास से आज यहाँ पे सांकेतिक भगवान श्री राम चंद्र जी का वनवासी स्वरूप का मूर्ति स्थापना है। हम सबको भगवान की परम कृपा है कि जिस परिक्षेत्र में भगवान ने जो है दंडकारण में बिताया, वनवास काल में बिताया, उसी दंडकारण में, उसी अस्थि समूह सिद्धा पर्वत के नीचे जो है हम लोगों का जन्म हुआ है। ये तो हम सबका परम सौभाग्य है जो यहाँ की रज और इन पर्वतों का, इन तीर्थों का हम लोग दर्शन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं।